हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हूँ। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो ये देखो, मेरे गार्डन में ये एक गजानिया का प्लांट खिला है। कितना बड़ा फ्लावर है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्लांट की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। आज की वीडियो में इसकी केयर पे बना रहा हूँ, और कब से मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है, मुझे कोई टॉपिक ही नहीं मिला। तो आज इसमें फ्लावर खिल गया। कब से बर्ड्स आई नहीं थी, लेकिन आज फ्लावर खिला है, इसलिए मैं रुका था। ये अभी अच्छा है, और इसकी मैं आपको खासियत बता दूँ। इसको आप अगर छाव में रख देंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ये ऐसे बंद हो जाता है अगर आप छाव में रखते तो। और फुल अगर आप धूप में रखो तो ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल सा जाता है और ऐसे प्लेन हो जाता है। और इसकी खासियत हो गई, तो इसकी मैं आपको बर्ड बताऊँ कितनी बर्ड्स आई हैं। मैंने अभी गिनी थी तो इसमें 7 बर्ड्स और 8वां फ्लावर था। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बर्ड है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक बर्ड, ये बीच बीच में जहाँ से ग्रोइंग बर्ड है यहाँ से बर्ड्स आई हुई है। और यहाँ पे इसी 7 बर्ड्स हैं इसमें और 8वां ये फ्लावर है। इसकी मैं केयर करना बताता हूँ। इसको आप, मैंने तभी प्लांट्स को हैंगिंग बास्केट में लगा दिया हुआ है। इसकी जो है मिट्टी कैसी रखनी है, मिट्टी में आपको बताता हूँ। ये जो मिट्टी है आपको थोड़ी मॉइस्ट रखनी है, देख पा रही किसी मॉइस्ट है, नर्सरी की मिट्टी है, मॉइस्ट है। नीचे मैंने कोकोनट के हस्क वगैरह डाल दिए हैं। ऐसी थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए मिट्टी, हाथ पे चिपकनी चाहिए, ऐसी मिट्टी आप इसको रखो। और जैसे ही मिट्टी के ऊपर की लेयर सूखनी स्टार्ट हो जाए, तो मतलब सूख जाए, तब आप इसमें वाटरिंग कर दो। तो ऐसे ये प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। और इसको आपने ऊपर से वाटरिंग नहीं करना चाहिए, ऊपर से अगर आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। और आप इसको बार बार भी पानी नहीं देंगे, बार बार पानी देने से इसमें फंगस लग सकता है। ऊपर की लेयर जब सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें, और इसके साथ साथ इसकी येलो येलो सी लीफ आप हटा दे जाइए। और इसको पानी का हो गया, सनलाइट इसको बहुत ही मेन है फ्रेंड्स। सनलाइट कैसे चाहिए, सनलाइट है वो सनलाइट आपको जितनी ज़्यादा आप इसको दे पाओ, आप फुल डे की सन दे पाओ तो अच्छा रहेगा, और उसमें ज़्यादा फ्लावर्स खिलेंगे। मेरे यहाँ पे इसको फुली डे की सन आती है, 4 बजे में मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ बाजू में, तो इसमें फुल डे सन रहता है, तो इसलिए इसमें इतनी बर्ड्स आई हैं। और इसको फर्टिलाइज़र आप क्या दें, फर्टिलाइज़र में आप इसको DAP और पोटाश, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच पोटाश घोल के दीजिए, या फिर आधी बकेट पानी में 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच पोटाश आप इसमें घोल के दीजिए। और अगर इस पर आपके इंसेक्ट्स लग जाते हैं तो इसका मैं आपको एक ये बताऊंगा कि आप क्या करेंगे। इंसेक्ट लग जाए तब थोड़ा पानी लेना है, गुनगुना पानी, उसमें आप अपना जो हैंड वॉश होता है, कौन सा भी हैंड वॉश हो, उसको आप डाल लीजिए, दो प्रेस कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिएगा, 0.5 लीटर से कम, और उसमें दो आप ये डाल लीजिएगा, प्रेस करिएगा 2 बार उसको हैंड वॉश को। और फिर वो हो गया, उसको 5 मिनट तक ऐसे ही रखिए, और अगर पानी ठंडा हो गया तो फिर से उसको थोड़ा गुनगुना कर लीजिएगा, और इसमें आप ऐसे ही हाथ से ऐसे छिटक दीजिएगा, तो जो भी एफिड्स, स्पाइडर माइट्स कुछ भी लगे हों तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने इसमें लगे थे तो मैंने इसमें कोई नहीं किया, सिर्फ जो मैंने आपको ये बताया है वही किया है, तो इससे ये चले गए। और फिर इसमें ये बर्ड्स, अच्छी अच्छी सी बर्ड्स स्टार्ट हो गया ना, नहीं तो एक भी बर्ड नहीं थी फ्रेंड्स। और ये क्या होता है कि एक बार इसमें फ्लावर्स खिल जाए तो ये थोड़ा शांत हो जाता है, उसके बाद फिर से इसमें बर्ड गुच्छा सा आ जाता है। इसमें अभी ये 3 फ्लावर्स एक साथ खिल जाएंगे, ये 2-3 दिन तक रहेगा, ये तब तक ही 2 फ्लावर्स खिल जाएंगे। और फिर इसे 3 होने के बाद फिर से मैं इसमें वीडियो बना सकता हूँ या नहीं। तो इसकी सनलाइट फुल डे दें,
वर्किंग का बता दिया, सनलाइट बता दिया और फर्टिलाइजर का भी बता दिया, और मैं इसमें कुछ नहीं दिया था। फर्टिलाइजर में इसमें जो है अंडे के छिलके का फर्टिलाइजर, और जो संतरे के छिलके का, केले के छिलके का, तो वैसे भी फर्टिलाइजर इसमें डालता हूँ तो उससे भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। केमिकल है वो जो मैंने आपको बताया, वो केमिकल फर्टिलाइजर है। और अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो अंडे के छिलके दें, या फिर इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, तो फिर भी आप दे दो इसको। इतना प्यारा फ्लावर है, उसका कलर देखो कितना प्यारा है, सेड। और मैंने इसमें ये डायंथस की कटिंग लगाई है, ये लगी पड़ी है कटिंग, मैंने 5 कटिंग लगाई है, एक प्लांट से मैंने 5 कटिंग तोड़ ली थी, फिर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई तो डायंथस के प्लांट में, तो ये मैंने बहुत ही प्यारा शेड है, फ्लावर अच्छा अच्छा है। और इसको मैं अभी कल पानी दे दूंगा, और मेरी अगली वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट इसका मिला है। और आप इसको लगा सकते हो, और ये जो है गजानिया, ये ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर ही लगा दिया हो ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और इसके जो है आप जमीन में थोड़े थोड़े ऐसे कैरी के तौर पे भी लगा सकते हैं, विंटर का फ्लावर है तो इसको विंटर में ही ज़्यादा फ्लावर्स खिल जाते हैं, और फिर समर जब लगने होता है तब भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो मैं इसके जो ये फ्लावर है इसको जब भी सूख जाएगा तो इसको मैं नीचे से काट दूँगा, नीचे से जब काट दूँगा तो इसमें सीड नहीं बनेंगे, और सीड नहीं बनेंगे तो फिर इसमें प्लांट को ये कलियाँ ये बनाने में ज़्यादा ये मिलेगा। तो मैंने सीड से उगाए थे फ्रेंड्स पिछले 2 महीने से, तो ये देखिए कितने छोटे प्लांट्स, और ये नर्सरी का बना बनाया सा प्लांट है, तो ये देखिए कितना बड़ा, और ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। और ये देखिए ये कुछ रेड कलर के हैं, शायद कुछ रेड या पिंक होंगे, तो ये कलर है वो, और वो उसके मैंने सीड्स परचेज करके लाए हैं। तो ये देखिए कितना इतना छोटा सा प्लांट, और इसमें भी फ्लावरिंग तो होगी ही नहीं, एक है ये, दो ये, तीन है ये, देखिए 4, और ये डायंथस है, 4 ही प्लांट है मेरे इसमें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।